गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं खारघर हूँ, डायरेक्ट खारघर आया, ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वड़ाला में, जाने वाले थे करनाला फोर्ट, बट प्लान हुआ ये कि 1 बजे तक करनाला फोर्ट बंद हो जाता है और हम लोग निकले ही 1 बजे थे। पनवेल से रूट वही है, वड़ाला से पनवेल आने का वही टिकट 15 रुपए सिंगल खारघर जाने वाले। अभी चंदन, मैं, अभिषेक और 2-3 लोग आ रहे हैं। पहले नाश्ता करते क्योंकि सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और इसने भी नहीं खाया था। हुआ ये कि अभी हम लोग सब जितने लोग और आ रहे हैं हम लोग है गुरु तेग बहादुर नगर JDB में, उन लोग को आधा 1 घंटा जाएगा आने में, तो हम लोग या तो रुकेंगे या तो फिर हम लोग पांडवखाड़ा निकल लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग और आए हैं तो कुछ ना कुछ एडवेंचर करके जाएंगे। अब हम लोग अभी तक वहाँ गए नहीं है, वहाँ पानी है कि नहीं वो हम लोग को नहीं मालूम। देखते आ रहे राजा वाजा, उन लोग आए फिर देखते। तो अभी एक फैमिली आई है पूरी, एक गाड़ी से आई है। तो गए भगवान बारिश कर दे, आधे 1 घंटे के लिए ही कर दे, लेकिन कर दे, सबकी मन्नत पूरी कर दो भगवान, हो जाए यार बारिश। तो हम लोग आधे 1 घंटे से इसे यहाँ पड़े, चलना तो बस स्टॉप पे सो गया। ये सो जा रहा है चंदन, तो भी सो गया, क्या करे, गुड नाइट। सो हम भी सोए, तुम भी सो, सब सो। तो अभी पूरी गैंग आई है भाई, सब लोग चंदन अभिषेक बाबा अर्जुन सब लोग आ गए हैं। अंदर जाइए, बहुत लोग अंदर गए। डुबकी मार लो। हाँ ये देखो इधर है थोड़ा बहुत, जो इधर नहाना है इधर से नहा के चल दो। बारिश ही नहीं हुई भाई, उम्मीद लगा के बैठे अब होगी थोड़ी बारिश, कीचड़ से जा रहे भाई, चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी वहाँ पर पीछे 2 लोग जा रहे थे, तो उन लोग से हम लोग ने पूछा कि भाई अंदर पानी है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ गले तक है। अब देखते हैं अंदर जाके मालूम पड़ेगा है कि नहीं है एक्चुअली पानी। भाई हम लोग चलते चलते थोड़ी दूर तक तो आ गए, ऐसे सब ऐसे सूखा सूखा सब दिख रहा है माहौल पूरा, लेकिन अभी अंदर बोल तो रहे हैं कि पानी है थोड़ा बहुत नहाने लायक, अब वहां जाके ही मालूम पड़ेगा। अभी सब लोग रेडी है, देखो कपड़ा वपड़ा निकाल के सब रेडी है नहाने के लिए। वैसे जो पहले पब्लिक दिखती थी वो अभी नहीं दिख रही है। अगर आपको आना है तो भाई जुलाई के महीने में आओ, जब बारिश हो अच्छी खासी। अभी जून चल रहा है तो बारिश कुछ है नहीं, तो इसके लिए अभी आना नहीं, जुलाई वुलाई में ही आना। और राजा भाई दिल तो टूटा हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करना है। पानी दिखेगा तो खुश हो जाएंगे। हाँ रहेगा तो, यहाँ तो कुत्ते लोग भी भटक रहे हैं, ये जाने दे क्यों परेशान कर रहे हैं। सब लोग चल रहे भाई ऐसे ही, धीरे ऊपर जाना है, ऊपर उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन किरण वहाँ मिलेगी कि नहीं वो नहीं मालूम। चलो देखते हैं। अरे अर्जुन उधर कहाँ भटक गया तू, इधर आ जा यार, ऊपर से आवाजें आ रही है पता नहीं क्या क्या, मुझे लग रहा है लोग नहा रहे हैं। काफी डेंजर है थोड़ा, यहाँ पत्थर बहुत सारे हैं, तो संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से। आप भी आए तो थोड़ा संभल के आए जाए, क्योंकि इधर पत्थर ही पत्थर है हर जगह। तो उन लोग अभी उधर से आ रहे हैं और 2 लोग इधर से आ रहे हैं और कुछ लोग इधर ही नहा रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी है इधर, अभी इधर नहा रहे हैं कुछ लोग। अभी हम लोग को ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर शायद और पानी है, ये थोड़ा इधर नीचे जाना पड़ रहा है। तो आप भी आए तो संभल के आए, क्योंकि पैर फिसला तो सीधा अंदर जाओगे, तो संभल के आना। गाइस पानी दिख गया थोड़ा सा, अब कुछ आवाज करो यार। ये जंगली आवाज नहीं चाहिए। अरे हिरन नहीं रे बाबा, किरण दिखी है उम्मीद की, गलत मत समझो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। तो अभी इधर सब गलत रास्ते पे जा रहे थे, जहाँ से झरना बह के आता है वहाँ जा रहे थे। आवाज देख रहे हो गाइस, अरे पानी की आवाज सुनाना था, तुम लोग क्या निकाल रहे हो। तो अभी हमारे पास एक अर्जुन बाहुबली है, चल अर्जुन ये उठा पत्थर तो फटाक से।
अरे वो नहीं वो उधर तू बाहुबली हो, तू टेंशन मत ले, तू कर सकता है बस। गोरिल्ला अंदर ऊपर अंदर कोई तो गोरिल्ला चिल्ला रहा है भाई, अब उसकी आवाज सुन के हम लोग आकर्षित हो रहे हैं के पार। देखो कौन है चलो बाय आराम से भाई। ए अर्जुन हरकत करने नहीं बोला बाबा मैं, प्लीज। इन पहाड़ों में हम चलते जा रहे हैं, अब पता नहीं ऊपर चलने के बाद पानी मिलेगा कि नहीं। हालत हो गई है खराब क्योंकि पहाड़ बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है। गाइस संभल के आओ, फाइनली गाइस मंजिल मिल गई, पहुंच गए हम लोग घूमते फिरते। हम लोग पिछले साल आए थे तो अभी वहां पर कुछ खाना वाना खा रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ था पानी से। इस साल अभी तक बारिश नहीं हुआ, सूखा नहीं, और देखो उन लोग उधर पहुंच गए। अरे मैं आऊं कैसे, ये उतरना पड़ेगा थोड़ा। हाँ उतर गए, पहुंच गए पहुंच गए। आखिरकार थोड़ी सी जन्नत दिखी, लेकिन दिखी जरूर, थोड़ी सी बारिश गिर रही है, मतलब बारिश नहीं पानी। यहाँ पर हरे कृष्णा भी लिखा है, मतलब मेरा नाम हर जगह छा गया है, पत्थरों में मेरा नाम छा गया है। क्या ही लग रहा है भाई, अभी थोड़ा सा पानी इकट्ठा है और थोड़ा सा पानी ऊपर से गिर रहा है जितना है। आराम से चढ़े, उधर से जा, देखो कितना जोश है, किधर से जा रहा है, अरे गिर जाएगा, उधर से जा। ओ देखो ऊपर टॉप पे बैठे, ए भाई फिसलेगा, उधर से जाना। चल हमें भी चलते ऊपर, अभी मजा आ रहा है भाई। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो ऐसी कोई हरकत मत करना। देखो जो लड़का वो जा रहा है वो कितना स्लिप खाता है मालूम है आपको, बहुत ज्यादा स्लिप खाता है, अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो समझो गिर जाओगे, और नीचे तो इतना पत्थर है ना भाई कि गिरते ही लग जाएगा। तो प्लीज ऐसी हरकत ना करें, अगर आप आ रहे हो तो प्यार से आए, नहाए अपना और शांति से घर पे जाए भाई। तो अभी इधर हम लोग ऊपर आए हैं, अभी तो हरे कृष्णा लिखना है, और देखो बच्चा कूदा और कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, मस्त है। तो पानी कम है बस, बारिश होता तो ये पूरा पूरा भरा रहता। अब देख तो देख, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। तो अभी हम सब ने नहा लिया, मजा आया कि नहीं राजा भाई? मजा आया बाबा, आज मजा आया, बहुत मजा आया। हमने सोचा था कि मजा नहीं आएगा, लेकिन जब नहाया ना बहुत ठंडा पानी था, मजा आ गया। ये मेरा शर्ट पहन के नहाया है, मैं अच्छे से सुखा के रखा था, इसने मेरा शर्ट पहन के नहा लिया है। पहले शुरू शुरू में लगा कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में फिर इतना ठंडा पानी मिल गया कि फिर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। एक घंटा लगभग नहाए और अभी टाइम हो रहा है निकलने का। उन लोग कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहे हैं, मैं भी अभी पहना, टी शर्ट सूखा है क्योंकि टी शर्ट उतार के ना आए थे,
ए चलो भाई, अब किधर गया? फोटो शूट अभी इन लोग का बाकी है। चल भाई तू वहाँ क्यों खड़ा है? इन लोग का अभी फोटो शूट चालू है। चलो भाई बस यार। आ मेरी जान, मजा आया ना मेरी जान। चंदन गया भाई पता नहीं कहाँ। जन्नत तो अभी आ रही है भाई, देखो पूरा बादल जो है, पूरा बादल छा गया पहाड़ पे जो कि अभी तक नहीं था, पूरा बादल से ढक गया है पूरा पहाड़। अभी क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, प्यास से गला सूख रहा है। गला सही बोला ना? हाँ मैं सही बोला। हाँ मैं सोचा गला सूख बोल दिया मैं, लेकिन सच में गला सूख रहा है क्योंकि पानी लेके नहीं आए थे। और नहाने के बाद कभी भी ना प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ये चीज आपने नोटिस किया रहेगा। तो भूख लगती है। हाँ भूख भी लगती है। तो हम लोग ने ना खाया था और ना ही पिया था पानी, कंट्रोल करके बैठे हैं। घर जाएंगे, पानी पियेंगे, खाना खाएंगे और मस्त एक चादर डाल के सो जाएंगे। चले इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस बस जो भाई लोग ने बोला है उतना कर दो, मेहरबानी होगी। और बताना लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मुझे तो जानते हो, चुटकी में ऐसे चुटकी बजाऊंगा, पैर पकड़ूंगा और सब्सक्राइब करवा लूंगा। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा क्या ही कर पाऊंगा मैं। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू।